हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अभिमन्यू आईएएस। और आज हम वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे हमारी पीवाईक्यू की सीरीज जो हम पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना हमने तब पहले डिस्कस किया था, ये 2013 का एक पेपर है स्टूडेंट, और इसमें हमने स्टार्टिंग के 8-9 के करीब क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और अभी हम फर्दर उसका देखते हैं पार्ट। सो सी हियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिए थे और अब भी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया था, 5, 6, 7 भी हो गया था, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में। हाँ जी, ये भी हो गया था हमारा, है ना। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। सी हियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन वीडियो को लाइक भी किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीरीज पसंद भी आ रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, किन टॉपिक्स पे हमें वीडियोस लेकर आने चाहिए, या यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि हमें कहीं से उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी सी नहीं मिल रही है, तो आप लोग कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज कैसी लग रही है उसके बारे में भी बताइए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप और हम मिलकर जो है वो टेस्ट को, यू नो एग्जाम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम यू नो इजी बना सकते हैं, राइट। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि एग्जाम को इजी कैसे बना सकते हैं, तो एग्जाम को इजी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि उसकी हम एक यू नो वाइड तरीके से हम उसकी स्टडी करें सिलेबस के ऊपर, कि भाई सिलेबस में पूछा क्या, सो देट हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक ना करें। और सेकेंड चीज हम ये देखें कि यू नो एग्जाम्स को लेकर उसके जो पी वाई क्यू है उसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, स्टेटिक से आ रहे हैं, करंट अफेयर से ज्यादा आ रहे हैं, या दोनों से ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, या फिर यू नो कोई ऐसी चीज यू नो जिसपे आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन पी वाई क्यू एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स जो है ज्यादातर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट पंजाब पीसीएस के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो दैट्स वाई वहां से आपको उस एरिया पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यार कौन सी इंपॉर्टेंट जो गेम्स है, या फिर स्पोर्ट्स जो है, या फिर इंडिया ने कोई किसी यू नो गेम को होस्ट किया, या फिर यू नो वहां उसमें मेडल जीता उसने, गोल्ड मेडल सिल्वर टॉप 3 में वो आया, ठीक है, या फिर पहली बार हमें हमारी कोई टीम कहीं पे खेलने जा रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन की। क्वेश्चन है साइबर कोएलेशन 2013 के बारे में पूछा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, साइबर कोएलेशन क्या चीज है, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय नाटो। सेकंड बोल रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर्म्ड बाय चाइना। क्या बोल रहा है कि वो चाइना ने बनाई है कौन सी, साइबर कोएलेशन 2013। नेक्स्ट है ए कोएलेशन फॉर्म्ड बाय इंडिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्री फॉर सिक्योर साइबर स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रशिया। तो स्टूडेंट्स सी हेयर, आई नो कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा ये, पर फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जा सकते हो, ठीक है। अगर उस टाइम पे जिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया होगा और जिन्होंने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर थोड़ा फोकस किया होगा, तो ये जो कोएलेशन है साइबर सिक्योरिटी की कोएलेशन है जो 2013 में बनी, वो नाटो के थ्रू, नाटो ने बनाई इसको। किसने बनाई, नाटो ने बनाई इसको, ठीक है। नाटो यू नो दैट है ना, वर्ल्ड में दो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ी, ठीक है, जो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए बनी है ऑलमोस्ट, दैट इज नाटो, और एक हमारी यूएसएसआर ने बनाई थी, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो नाटो के अंदर मेन जो कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, जैसे कि यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, या फिर यू नो अमेरिका, कैनेडा, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नाटो। नाटो मेनली जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो अराउंड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए। इट मीन्स कि इट्स का मतलब ये है कि मिलिट्री सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री पे अगर अटैक करते हो तो नाटो की जितनी भी कंट्रीज हैं वो मिलकर उस कंट्री का सामना करेंगे,
ठीक है, तो इसलिए नाटो बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमने उन्होंने क्या बनाया, नाटो बनाया। नाटो के ऊपर ही तो इतना बड़ा वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बनना चाहता है और रशिया ये बात कभी नहीं, ये बात उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी कि मेरा एक नेबर कंट्री जिसका बॉर्डर बिल्कुल मेरे साथ लगता है वो नाटो का मेंबर बने। ठीक है, क्योंकि अगर वो नाटो का मेंबर बना तो वहां पे अमेरिका का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पे एक्सेस हो जाएगा और वहां पे वो मिलिट्री जोन बना सकता है अपना अमेरिका टू काउंटर द रशिया। सो दैट्स व्हाई यहां पे नाटो की बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंस है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नाको साजना दलामिनी जुमा। ठीक है, नाको क्या है, नाको साजना दलामिनी ठीक है जुमा बिकम द फर्स्ट वोमेन टू टेक ओवर ऑफिस एज ए चेयरमैन, एज ए चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन कमीशन AUC की। वो क्या बनी है यहाँ पे, वो चेयरमैन बनी है। ठीक है, फिर बोलता है कि द अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर आर लोकेटेड एट निरबोई। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है ऑल अफ्रीकन नेशंस आर द मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। सी हियर स्टूडेंट्स, अफ्रीकन यूनियन जो है ठीक है, वो अफ्रीका जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है ना जितनी भी, उसके उसको जैसे हमारी यूरोपियन यूनियन है वैसे ही इनका एक यूनियन है दैट वी कॉल्ड अफ्रीकन यूनियन। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, बट इन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन की तरह एक यूनियन बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें ये कॉमन वैल्यूज के ऊपर अफ्रीका के यू नो वेलफेयर के लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए यहाँ पे डिस्कशन होते हैं। तो सी हियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन क्या कहते हैं, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1, 2, 3। सी हियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो हेडक्वार्टर जो है वो निरबोई में नहीं है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इथोपिया के अंदर है। हेडक्वार्टर निरबोई में नहीं, वो एडिस अबाबा कहाँ पे प्रेजेंट है, इथोपिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इथोपिया के अंदर उसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है अफ्रीकन यूनियन का, ना कि निरबोई के अंदर। सो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है, और अगर सेकेंड हो गई तो बी भी गया और डी भी गया, बचा हमारे पास ए सी, मीन्स 50-50। और जब भी स्टूडेंट आप 50-50 पे पहुंचते हो, श्योर मेरी बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन मी केयरफुली, श्योर अगर आप 50-50 पे पहुंच जाते हो तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही दो, तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, बिकॉज 50% चांस है कि आपके क्वेश्चन सही ही होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, अभी हम 1 एंड 1, 3 पे पहुंचे। अच्छा, 3 में कह रहा है कि All African nations are the members of African Union. नहीं, मोरक्को एक कंट्री है किसके अंदर, अफ्रीका के अंदर, जो मेंबर नहीं है अफ्रीकन यूनियन की। एंड मोरक्को इज द ओनली कंट्री इन द अफ्रीकन यूनियन दैट इज द नॉट इन अफ्रीका दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। सो मोरक्को इज द ओनली कंट्री दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, हालांकि वो अफ्रीका के अंदर ही प्रेजेंट है कंट्री। सो हमारा तीसरा भी गलत हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मींस ए इसका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेरे से ऐसा पूछते हैं बहुत बार कि मैम जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है जैसे कि ऑल एक्सेप्ट यू नो सम, ठीक है, जिनमें ऐसा कुछ वर्ड लगा होता, एक्सट्रीम वर्ड होता है, सम तो खैर एक्सट्रीम वर्ड नहीं होगा, जैसे कि ऑल हो गया, ठीक है, या फिर हम बोलें कि सभी के सभी, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना जहाँ पे काफ़ी ऐसा लगे आपको कि हाँ यार मतलब इतना सारा तो नहीं हो सकता या सभी तो नहीं हो सकते, तो क्या मैम हमें उसको हमेशा ऑलवेज उसको गलत मान के चलना चाहिए? तो उसका मेरा आंसर होगा नो स्टूडेंट्स, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अब जितना आप स्मार्ट बन रहे हो उतना आपसे कहीं गुना ज़्यादा स्मार्ट है जो आपका एग्जाम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको फंसाएगा। जैसे ना कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मान लो मिनिस्ट्री कहीं पे दी हुई है, हेडक्वार्टर कहीं पे दी है, वो ज्यादातर स्टेटमेंट्स गलत ही होती हैं, तो ऐसा आप मान के ना चलो तो बेटर है। ठीक है, ऐसा अगर आप ना मान के चलो तो बेटर है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको जाने दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई एग्जामिनर ने वहां पे वो ट्रिक लगा ली हो और उसने सारे फैक्ट सही कर दिए। ठीक है, ऑल ऑल मीन्स ऑल, भाई सारी है ना,
आपने ये सोच के गलत कर दिया कि नहीं भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत ही होगी, तो फिर आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ना चाहते हुए भी गलत हो जाएंगे। सो बेस्ट है स्टूडेंट, अगर आप श्योर हो तभी करो, अदरवाइज मत करो। आज से 2-4 साल पहले की अगर आप वीडियोस देखो, यूट्यूब पे देखो, ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक की वीडियोस देखो, इवन टीचर्स भी, ठीक है, मैंने बहुत सारी फैकल्टी भी देखी ऐसे, तो हमेशा बोलते थे कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड कीजिए, उन्हें आप गलत मान के चलिए, ठीक है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। बट यूपीएससी ने ये सब कुछ 2021 के बाद सबका सब जो है उसको उल्टा कर दिया, 360 टर्न ले लिया उसने। ठीक है, अब भी उस पर कुछ भी नहीं कह सकते, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, सो दैट्स वाई स्टूडेंट आप अपनी नॉलेज पे और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे यू नो फोकस करो, ना कि आप इस बात पे फोकस करो कि हाँ यार मैं ये ट्रिक लगा लूंगा और मैं ये ट्रिक लगा लूंगी तो मेरा एग्जाम हो जाएगा या मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा आप ब्लंडर मत करना। ठीक है, क्योंकि जहां आपकी सोच खत्म होती है, ठीक है, वहां से एग्जामिनर सोचना शुरू करता है जब भी वो एग्जाम सेट करता है, ये बात आप मान के चलो। ठीक है, वो आपसे बहुत स्मार्ट है। ओके, तो ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कहता है मैग्नस कार्लसन हु वॉन द रिसेंट वर्ल्ड चेस चैंपियन चैंपियनशिप हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सी हियर स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सी हियर स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन ऐसा होता है स्टूडेंट कि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, फिर तो आपको याद रह जाएगा वेल एंड गुड और आपको थोड़ी एज भी मिल जाएगी। बट अदरवाइज अगर आप इतना नहीं पढ़ते हो स्पोर्ट्स के बारे में, आप थोड़ा अवॉइड ही करते हो या न्यूज़पेपर में से इतना नहीं पढ़ते, तो तुक्का लग जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आपका यहाँ पे नहीं ही होगा। तो बेटर है अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है पीपीएससी के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन या तो अवॉइड ही करना, तुक्का मत लगाना, ठीक है, या फिर अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्वे, जो हमारी मैग्नस कार्लसन है जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, 2013 की बात कर रही हूँ स्टूडेंट मैं यहाँ पे, 2013 के अंदर वहां उस टाइम का ये करंट अफेयर है। तो वो कहां से थी, नॉर्वे से थी। ठीक है, ओके ओके। सीयर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करेंगे कि मैम आप इतने पुराने क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हो, या फिर अभी ये तो उस टाइम का करंट अफेयर है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, अभी आप कमेंट करोगे ऐसा मेरे को पता है डेफिनेटली। बट स्टूडेंट सीयर, माई फोकस इज ओनली ऑन दैट पार्ट कि आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान इसलिए दो ताकि आपको ध्यान में रहे जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या जब भी आपको डेटा पढ़ो कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन उस टाइम पे बन सकता है तो अभी भी बन सकता है। ठीक है, अगर किसी ने चेस की चैंपियनशिप जीती है, फुटबॉल की मैच जीता है, वहां पे कोई एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन को एज ए फास्टेस्ट प्लेयर का या फिर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं इनको स्किप भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि आप इसको लर्न करो या सीखो, इसका पर्पज है कि सिर्फ आपको ये पता चले कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से उठा रहे, किस तरीके से क्वेश्चन पिक किए जा रहे। ठीक है, ओके ओके, लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नो इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, व्हाट इज द नो तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे नो इंडिया प्रोग्राम पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इट इज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिजाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू फैमिलराइज FII विद द रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यहां पे बात कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा
पहला तो ये स्टेटमेंट होगी। सेकंड बोल रहा है इट इज अ टूरिज्म प्रोग्राम डिजाइन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर इनक्रेडिबल इंडिया फॉर प्रमोटिंग टूरिस्ट अराइवल्स इन द कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इट इज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिजाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स फॉर डायस्पोरा यूथ टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑन डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। नो इंडिया जो प्रोग्राम है स्टूडेंट वो अच्छा, इंडिया को जानने की जरूरत किसको है, हमें या बाहर वालों को? ऑब्वियसली बाहर वालों को जानने की जरूरत है ना। बाहर वालों में भी कौन सबसे ज्यादा, जो हमारी कंट्री से गए हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स, ठीक है, सो दैट उनको पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ से ओरिजिनेट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्यों करते हैं स्टूडेंट, ऐसा क्यों होना भी क्यों चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मान लो आज से 10 साल पहले आप बाहर चले गए, यहाँ से 10 साल बाद बाहर चलेगी आप, ठीक है। अगर आप इंडिया के बारे में जानती नहीं हो कि इंडिया क्या है, इंडिया की कल्चर क्या है, तो अगर वहां पे कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा या आपको कभी कोई पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाओगे, है ना। वो तो ऐसे ही कहेंगे कि अगर आपने कंट्री लीव की, इट मीन्स योर कंट्री इज वेरी पुअर कंट्री, वेरी पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तभी आप यहाँ पे आए हो। नहीं, वो रीजन एक हो सकता है कि हाँ वहां पे इम्प्लॉयमेंट नहीं थी या आपके करने के लायक काम नहीं था, आपको वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा आपको चाहिए था, ठीक है, तो आप मूव करके, बट इट डजंट मीन कि भाई इंडिया जो है वो पुअर कंट्री है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लोग बस भुखमरी से मरी रहे हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ क्राइम है या फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग ही होगी ना। सो दैट्स व्हाई नो इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, सो दैट वो इंडिया को जाने, इंडिया की लाइफ के बारे में जाने, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि इंडिया की लाइफ के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स हो बाहर के, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया के क्या क्या फैक्ट्स हैं उसकी लाइफ के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, है ना, उसके उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी फर्दर। यहां पे हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सी हियर स्टूडेंट्स, क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स हैज बीन सिलेक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन फ्लाईवेज, अंडर द प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन फ्लाईवेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये बोल रहा है कि डेस्टिनेशन फ्लाईवेज किसको चूज किया गया। तो ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, चिलिका लगून, वेस्टर्न घाट्स, अष्टामुंडी लेक। सी हियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट ये बिल्कुल प्योर फैक्ट बेस होते हैं, ठीक है, आपको आता है नहीं आता, ठीक है। अगर तो आपने करंट अफेयर पढ़ा और वहां पे डेस्टिनेशन फ्लाईवेज के बारे में कहीं पढ़ लिया तो ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे क्या है, चिलिका लगून को चूज किया गया, ठीक है, एंड इट इज द ओनली रीजन इन द एशिया चूज एज ए डेस्टिनेशन फ्लाईवेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक इकलौता रीजन है एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, जिसको UNWTO ने इसको चूज किया एज ए डेस्टिनेशन फ्लाईवेज, ठीक है। अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे वेयर इज चिलिका लेक लोकेटेड, ठीक है, चिलिका लेक कहाँ पे लोकेट करती है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं प्लीज डू कमेंट, ठीक है, और मुझे आंसर आप जरूर बताना कि चिलिका लेक कहाँ पे है, ठीक है। ओके ओके, और भी चिलिका लेक से रिलेटेड अगर आपको कोई फैक्ट पता है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड किया कीजिए स्टूडेंट्स, सो दैट आपको हैबिट बने क्वेश्चन को रीड करने की, उसको समझने की। तो क्या बोलते हैं, द लुसोफोनिया गेम्स इज ए मल्टी नेशनल मल्टी सपोर्ट इवेंट।
कहता है द लुसोफोनिया गेम्स आर द मल्टी नेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एसोसिएशन पुर्तगीज स्पीकिंग ओलंपिक कमेटी। मतलब कि पुर्तगीज जहां पे भी बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं किसको, लुसोफोनिया गेम को। ठीक है, अच्छा, ये कमेटी है ACOLOP जो ऑर्गेनाइज करती है किसको, लुसोफोनिया गेम को। और एक ये मल्टीनेशनल मल्टी सपोर्ट इवेंट है। कहता है ACOLOP इज अप्रूव्ड बाय IOC, मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको क्या करती है, अप्रूव करती है। फिर ये कह रहे हैं कि बेंगलुरु इंडिया होस्टेड द 2014 लुसोफोनिया गेम्स। अच्छा, लुसोफोनिया गेम्स को वो बोल रहा है कि इंडिया होस्ट करेगा 2014 के अंदर। तो सी हियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो फैक्ट गलत है दैट इज बेंगलुरु, नॉट बेंगलुरु, इट इज अ गोवा। यस, डेफिनेटली इंडिया ने इसको होस्ट किया था स्टूडेंट, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट पूछा इसने, आपको जो बात ध्यान में रखनी है दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा कि करेक्ट नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमारे, क्योंकि उसको गोवा ने क्या किया, यहां पे गोवा में ऑर्गेनाइज किया। एंड यू नो दैट कि गोवा जो थी वो क्या थी, टेरिटरी थी किसकी, पुर्तगीज की, वो पुर्तगाल की टेरिटरी थी, ठीक है, सिंस 1961 तक। उसके बाद हमने क्या किया, गोवा को इंडिपेंडेंस करवाया, इंडिपेंडेंट हुआ है वो उसके बाद, ठीक है। तो पुर्तगाल कंट्री का यहाँ पे रूल था, ठीक है। तो ये गोवा के अंदर होस्टेड की जा रही है, ना कि इंडिया, ना कि बेंगलुरु के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि पहले दो जो है वो सही है, पहले दो क्या है स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ये बेंगलुरु में नहीं, हमारे गोवा के अंदर इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, किसको, लुसोफोनिया गेम्स, ठीक है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। केमिकल एजेंट सीरिन वाज यूज्ड इन केमिकल अटैक कैरिड आउट इन सीरिया इन 2013, विच टाइप ऑफ केमिकल एजेंट इज सीरिन, ठीक है। अच्छा, केमिकल वेपन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझो, केमिकल वेपन स्टूडेंट तीन तरीके के हमारे वेपन्स होते हैं। एक हमारी आर्मी के पास जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, एक बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं जिसमें हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन जो है उसका स्प्रेड करवाते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारे इवन ब्लेम भी लगे चाइना पे कि जो COVID-19 है ये एक्ट हो सकता है कि एक बायोलॉजिकल वेपन हो, ठीक है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, बाय द चाइना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज द केमिकल वेपन, जिसके अंदर हम केमिकल्स को यूज करते हैं एज ए वेपन, ठीक है, जिसके अंदर मास डिस्ट्रक्शन होती है पीपल की, मतलब यू नो मास डिस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, इनोसेंट लोगों की यहाँ पे जान चले जाती है। तो सेरिन नाम का एक केमिकल एजेंट यूज किया गया था सीरिया के अंदर जब सीरियन वॉर चल रही थी 2013 में। यू नो दैट सीरिया एक बहुत ही अनस्टेबल रीजन है, ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, ISIS का यहाँ पे रूल है, ठीक है, किसी किसी एरिया के अंदर, और सीरियन गवर्नमेंट एकदम से यहाँ पे फेल हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे काफी लंबा जो है वो वॉर चला है। इवन 2018-19 तक बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी सीरिया के ऊपर, ठीक है, कि वहां पे एक बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। तो केमिकल एजेंट के बारे में देखते हैं हम सेरिन के बारे में। अगर मैं सीरिन की बात करूं स्टूडेंट, तो सीरिन एक ऐसा केमिकल है जो कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता स्टूडेंट इसका, ठीक है, ऑर्डरलेस है इसकी, इवन यहां तक कि आपको स्मेल भी नहीं आती स्टूडेंट, अगर कोई सेरिन केमिकल को रिलीज करते तो उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, ऑर्डरलेस है। एंड इट इज अ लीथल या फिर मैं कहूं कि टॉक्सिक, ठीक है, बहुत ही लीथल एक वो होता है ये, ठीक है, लीथल है ये, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस टॉक्सिक है ये, ठीक है। केमिकल एजेंट सेरिन जो है वो हमें ज्यादातर किसको अफेक्ट करता है, हमारे नर्व एजेंट को, मतलब कि हमारी बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करता है, जितने भी न्यूरो ट्रांसमिट है। और इवन अगर एंटीडोट ना दिया जाए, मतलब कि अगर आप डॉक्टर क्लिनिक में नहीं पहुंच पाती हो और जल्दी से आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, तो विद इन 10-15 मिनट्स में ही पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इट मे बी फेटल, ठीक है, ओके ओके, सो लेट्स मूव फर्दर।
15 नंबर क्वेश्चन करते हैं यहां पे हम। हां जी, सो लेट्स सी 15 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो क्या कह रहा है यहां पे, नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहां पे। क्या बोल रहे हैं, इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर इन वाटर ऑफ रिवर कावेरी इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड टेरिटरी। ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन आया, सो लेट्स सी कावेरी रिवर। पहले हम कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहां। तो सी हियर, मैंने यहाँ पे कावेरी रिवर का एक ऐड किया यहाँ पे, सी हियर स्टूडेंट्स। अगर आप कावेरी रिवर को देखो तो ये कर्नाटका के इस रीजन से ओरिजिनेट होती है और यहां से चलते हुए स्टूडेंट ये इस तरीके से कितने आगे फिर क्या करती है, ये तमिलनाडु में एंटर करती है। बट जो कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं स्टूडेंट्स, वो देखो अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स में यहाँ पे जा रही है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो कावेरी रिवर का वाटर जो है उसको किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसके बारे में वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो सी हियर, लेट्स सी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं अब यहां पे ध्यान से। तो क्या कह रहा है, इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो वो किस किस के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो कहां कहां पे कहता है, केरला पहला ऑप्शन, दूसरा पौंडुचेरी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सी हियर स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश में तो रिवर जाती नहीं, कावेरी की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं जाती, तो आंध्र प्रदेश तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया है ना। तो आसपास के स्टेट कौन से, या तो केरला है या पुडुचेरी आपने देखा है साइड में, एक कर्नाटका की इधर वाली साइड उसकी एक टेरिटरी है। ठीक है, और कर्नाटका में से तो वो ओरिजिनेट ही होती है। ठीक है, तो कौन रह गया ऑप्शन में, केरला, पुडुचेरी और कर्नाटका, तीनों को इसका वाटर शेयर होता है। आंध्र प्रदेश से तो इसकी कोई टेरिटरी निकलती भी नहीं है, ट्रिब्यूटरी निकलती भी नहीं है, सो आंध्र प्रदेश यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यू नो दैट कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो बहुत ही न्यूज में रहा, हाईलाइट रहा काफी सालों तक। सुप्रीम कोर्ट ने एट द लास्ट इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, बट होता क्या है स्टूडेंट, मुद्दा सॉल्व हो जाता है बट पॉलिटिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, तो डिस्प्यूट बना रहता है कंटिन्यू। ठीक है, जो कावेरी रिवर है स्टूडेंट, उसके जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब शेयर किया जाता है, वो केरला स्टेट भी करती है, तमिलनाडु भी करती है, कर्नाटका तो करता ही करता है, और उसके साथ एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी करती है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव करते हैं हम फर्दर। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, आप देखो कर्नाटका से ओरिजिनेट हुई यहाँ से, और मैसूरू से होती हुई कंपनी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ से जाते हुए ये कहाँ पे जाती है, तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर इसका एरिया लाई करते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की इस जगह पे जाके ये बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कालाहारी डेजर्ट प्रेजेंट। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अच्छा, कालाहारी डेजर्ट कहां पे प्रेजेंट है इसके बारे में पूछा, इसने लोकेशन पूछी है, तो लेट्स सी स्टूडेंट, कालाहारी डेजर्ट को देखते यहां पे हम। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा अफ्रीका, और अफ्रीका का ये आ गया नीचे वाला पार्ट, दिस इज द कालाहारी डेजर्ट, ये है हमारा कालाहारी डेजर्ट। तो देखो आप यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे तीन मेन कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, पहला नाम्बिया, दूसरा बॉट्सवाना और तीसरा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तीनों कंट्रीज के कोई का ये बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। ठीक है, तीनों कंट्रीज का प्लेस यहाँ पे शेयर करता है, कौन कौन सी, नाम्बिया, बॉट्सवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो तीनों कंट्रीज का शेयर करता है, तो ऑप्शन में तीनों कंट्रीज होने चाहिए हमारे, सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन पे वापस आते,
हाँ जी, क्वेश्चन पे वापस आते, तो क्या है, कहता नाम्बिया बिल्कुल सही, बोट्सवाना बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक है, हो गया ना आसान। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता आपका, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, सही है ना ये चीज, बिल्कुल। तो देखो देखो पीवाई करने से कितने फायदे हो रहे हैं, कितने सारे हम यू नो यहाँ पे कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कर रहे हैं, कभी पॉपुलेशन की सेंसिस का कर रहे हैं, कभी हम यू नो इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने सारे एन नंबर्स ऑफ टॉपिक्स भी होते जा रहे हैं और साथ साथ पीवाईक्यू भी होते जा रहे हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कहाँ से क्या करना है, कितना यू नो कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है, किस किस चीज की रेलिवेंस है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर से बन सकते हैं, न्यूज़पेपर से बन सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस भी, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं, ठीक है, आप एग्जाम को बहुत अच्छे समझ जाते हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और सारा खेल इसी पे टिके, जिसने एग्जाम को समझ लिया उसके लिए एग्जाम क्या है, खेल है, वो तो बस खेल देगा, ठीक है। जब आप किसी गेम को समझ जाते हो कि उसको खेलना कैसे, फिर आप उसमें जीतते भी हो, ठीक है, फिर आप उस गेम के बिल्कुल माहिर बन जाते हो, जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई इस गेम के क्या क्या रूल्स हैं और मुझे क्या क्या फॉलो करने, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम हमारा कंपटीशन है, कंपटीशन के कुछ रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आपका कंपटीशन कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है, कोई एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं एक यू नो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारा ऑनलाइन, उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो फिर आपको क्या करना है। तो कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली चूज एग्जाम पे जाना है स्टूडेंट्स। चूज एग्जाम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये कोई भी अगर एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आपको यू नो स्टेट पीसीएस के लिए रेडी करना है आपको, ठीक है, पीसीएस के लिए रेडी करना है, ठीक है। अच्छा, पीसीएस का ऑलरेडी आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको कुछ कुछ टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कोई सब्जेक्ट इंडिविजुअल प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, ठीक है, फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में देखना है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पैटर्न समझना है आपको, ठीक है, और पीसीएस के बारे में आपको देखना है कि पीसीएस क्या चीज है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं आपको, फ्री पीडीएफ चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो फ्री ऑनलाइन वीडियोस। तो सबसे पहले आपको फोन नंबर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आपको रेडी यू नो पढ़ना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको एचसीएस के लिए पढ़ना है, सिविल सर्विसेज का सिर्फ सी सेट करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, सी सेट करना है, तो क्या करना है, वही चीज सेम टेस्ट सीरीज लेनी है, माइक्रोवर्स, ये देखो माइक्रोवर्स में गई, अब क्या है ऑनलाइन वही वैसे सेम अपना टेस्ट अपना वो करा। अच्छा, आपको सिर्फ मैथ पढ़ना, ओनली मैथ, तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पे मैथ पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ओनली 3369 के अंदर आपको पूरा पूरा मैथ का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप माइक्रोवर्स के अंदर ज्वाइन करके, ठीक है, आप किसी भी कोर्स के लिए क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं लेक्चर करती हूँ यहाँ पे ओवर, थैंक यू सो मच।